आज इस लेक्चर में हम गेट यूजर्स एंड अपडेट यूजर एपीआई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गेट यूजर्स एपीआई पर वर्क करना चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि ये जो गेट यूजर्स एपीआई रहेगी वो आपका एडमिन हो सकता है, आपका सब एडमिन हो सकता है, चाहे आपने किसी और को भी असाइन किया हो इसके लिए परमिशन, तो उसको खुद की बेसिकली खुद का यूजर नहीं आएगा, बाकी के अदर यूजर्स आएंगे, तो वो हमारा इम्पोर्टेंट है। देन अब हमें सबसे पहले अपने राउट्स यहाँ पर बेसिकली हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसका मैं डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। देन इसका हम नेम रखते हैं लाइक गेट यूजर्स करके, ये बेसिकली गेट ए पे ही होगी। एंड नेक्स्ट जो होगी आपकी, जस्ट मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और इसका जो नेम हम रखेंगे वो रखेंगे हम अपडेट यूजर। तो अपडेट यूजर, तो ये हमारी ये पेज रहेंगी। एंड इसको जस्ट हम यहाँ पर राउट इसका रखेंगे लाइक गेट यूजर्स, देन सॉरी सेंड हो गया था गलती से, बॉडी में कुछ नहीं जाएगा। एंड ये रहेगा आपका गेट, और नेक्स्ट जो है आपका अपडेट यूजर। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका जो बेसिकली राउट रहेगा अपडेट, एंड ये बेसिकली पोस्ट रहेगी रिक्वेस्ट में, और बॉडी में हम देख लेते हैं अभी क्या जाएगा, बट हमें लॉगिन एपीआई की जरूरत पड़ेगी, टोकन हमें सेंड करना होगा। तो यहाँ पर अब हम एडमिन से ही फिलहाल में कर लेते हैं, जो भी हमारा होता है हेडर्स में हम टोकन प्रोवाइड करते हैं इनके लिए। तो लाइक अपडेट यूजर के हम हेडर्स में प्रोवाइड कर देते हैं वीआरआर, और अपना टोकन कॉपी किया मैंने, और ये मैं गेट यूजर्स में भी डाल देता हूँ। अरे डाल दिया मैंने। देन सबसे पहले हम गेट यूजर्स पर वर्क करते हैं, तो अपने राउट्स के अंदर आते हैं। राउट्स में हमारा कॉमन राउट, एंड यहाँ पर नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा रहेगा गेट मेथड। तो राउटर डॉट गेट स्लैश गेट यूजर्स, एंड इस पर ऑथेंटिकेशन ऐड होगा हमारा ऑथ, एंड इसमें हमें कोई वैलिडेटर की नीड नहीं है, हम यूजर कंट्रोलर का मेथड कॉल करेंगे जो कि होगा गेट यूजर्स करके। तो अभी बनाया नहीं है, तो चलिए हम बना ही लेते हैं अब। तो गेट यूजर्स यूजर कंट्रोलर में, एंड नीचे आते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ, हालांकि करना तो था ही। तो यहाँ पर हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं लाइक कॉन्स्ट गेट यूजर्स असिंक एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स वेटर मेथड ट्राई कैच। तो कैच को मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी गेट कर रहा है यूजर्स, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो हाँ सही है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, कि बेसिकली हमें रिक्वेस्ट की करंट यूजर की यूजर आईडी चाहिए होगी। तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर, क्योंकि आपको पता होगा जब हमने मिडलवेयर सेटअप किया था ऑथेंटिकेशन वाला, तो हम वहीं पर बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट यूजर सेट कर रहे थे। तो अगर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, देन यहाँ पर अभी हमें जो है आईडी प्रिंट होगी। तो लाइक अगर मैं गेट यूजर्स वाले को हिट करता हूँ, देन अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो हम बेसिकली कुछ एरर्स आई है इसमें गेट यूजर्स, आई थिंक हमने बेसिकली ये वाली फाइल सेव नहीं करी थी, तो अब मैंने सेव कर दी है। देन अब हम ट्राई करते हैं कि क्या होता है आउटपुट रन हो गया। तो यहाँ पर अभी आनी चाहिए आपको, यहाँ पर देख सकते हो हमें यूज़र का डेटा मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हमें डेटा तो मिल ही गया है, तो हमें जस्ट आईडी लेनी थी। तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी करेंगे, तो हमें प्रॉपरली आईडी जो है हमें मिल जाएगी। तो लाइक अगर मैं इसको सेंड करूँगा अगेन, सर्वर रिस्टार्ट हो जाए बस, हाँ हो चुका है। अगर हमने यहाँ से सेंड किया तो हमें देख सकते हो यहाँ पर आईडी मिल पा रही है, तो प्रॉपर आईडी मिल चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पर इस यूजर को इग्नोर करना होगा, बाकी यूजर हमें इसको सेंड करने होंगे लाइक यूजर डॉट फाइंड।
एंड फाइंड में हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी कि कौन सी आईडी नहीं बेसिकली इंक्लूड होनी चाहिए, तो हम बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक ये थोड़ा हट जाए साइड में, तो हमने यहाँ पे लिखा डॉलर एनी, एनी मीन्स नॉट इक्वल हो किसके, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के, तो ये हमने प्रोवाइड किया। मीन्स इस आईडी को इग्नोर करो, बाकी जो यूजर्स हैं उनको हमें डेटा दे दो, लाइक कॉन्स्ट यूजर्स करके। ये हमारे पास डेटा आ चुका है, और जस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको रेस्पॉन्स रेडी करता हूँ इसका। तो यहाँ से मैंने इसको रेस्पॉन्स रेडी किया, स्टेटस हमने 200 सेट किया, सक्सेस ट्रू दिया, एंड यहाँ पर हम मैसेज देते हैं लाइक यूजर्स फेस्ट सक्सेस सक्सेसफुली। तो एंड हमें यहाँ से डेटा प्रोवाइड करना होगा, तो यूजर्स आ चुके हैं। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ यहाँ से, तो सर्वर स्टार्ट हो रहा होगा, हाँ हो रहा है, हो चुका है। देन मैं यहाँ से जो है सेंड करता हूँ, अभी मेरे को यूजर्स आने चाहिए। तो यहाँ पर यूजर्स आ चुके हैं, एक बेसिकली एक ये यूजर है आपका, सब एडमिन है, एडिटर है, बट जो करंट यूजर था जो कि हमारा बेसिकली एडमिन यूजर था, वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो हमने नॉट इक्वल में ऐड कर दिया। तो ये पे तो हमारे डन हो चुके हैं, एंड देन हम आते हैं लाइक अपडेट यूजर एपीआई के अंदर। तो अपडेट यूजर में क्या होगा, लाइक हमें ये एपीआई का राउट हमें क्रिएट करना होगा, तो हम आते हैं यहाँ पर। तो जस्ट मैं पोस्ट वाली राउटर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ जैसे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर आएगा आपका लाइक अपडेट यूजर करके, एंड वैलिडेटर अभी हमें क्रिएट करना होगा, एंड मेथड हम बना लेते हैं लाइक अपडेट यूजर। तो वैलिडेटर में क्या होगा, हम जस्ट अपडेट जो कर रहे हैं, हम देखिए ना ईमेल को अपडेट करेंगे ना पासवर्ड को अपडेट करेंगे, वो बेसिकली वो फॉरगेट वगैरह पासवर्ड कर सकता है। हालांकि हमने इसमें वो वाला एपीआई नहीं बनाई है, क्योंकि वो नॉर्मल थी जो कि आप बना सकते हो कहीं से भी। तो यहाँ पर हमें वैलिडेटर में क्या इंपॉर्टेंट करना होगा वो हम देखते हैं। तो वैलिडेटर यहाँ पर हमें आईडी एंड नेम इंपॉर्टेंट करना होगा अपडेट यूजर के केस में, क्योंकि रोल जो है ऑप्शनल रहेगा, रोल वो अपना मतलब प्रोवाइड करेगा तो अपडेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक नेम इज रिक्वायर्ड एंड आईडी इज रिक्वायर्ड, तो ये बेसिकली आपका आईडी हो गया, इसका हम नेम रख लेते हैं लाइक अपडेट यूजर वैलिडेटर। तो ये हमें निकालना होगा अपने राउटर में, तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ था ना, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं एंड अपडेट यूजर वैलिडेटर हमने निकाला, क्योंकि हमने अपने अपडेट यूजर पर ऐड भी कर दिया, अपडेट यूजर वैलिडेटर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये मेरे को मेथड बनाने की नीड है, तो हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो जस्ट मैं ये जो इसलिए गेट वाला है, जस्ट मैं इसका थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड, एंड यहाँ पर जो हमें मेथड बनाना है वो हमें बनाना है अपडेट यूजर। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं अपडेट यूजर, एंड इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट कर दिया है, अब यहाँ से ये बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा, ये सब नहीं चाहिए, जस्ट हम इसको कट करते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले वैलिडेट करनी होगी रिक्वेस्ट, तो हम ऊपर से किसी का भी कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं इतना कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं नीचे पेस्ट करूँगा तो ये मैंने पेस्ट किया। सबसे पहले तो हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, जो भी हमारा आईडी नेम वैलिडेट नहीं होगा तो हमारी एरर्स चली जाएंगी। बाकी हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या निकाल लेना है, ईमेल तो नहीं आएगा, हमारे पास आएगा आईडी और नेम, और हमें चेक करना है कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं यूजर की, वरना पंगा हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अंडरस्कोर आईडी कॉलन आईडी, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इज एग्जिस्ट। तो अगर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स नॉट एग्जिस्ट है, देन हम यहाँ पर बोलेंगे यूजर नॉट लाइक यूजर नॉट एग्जिस्ट, एंड अगर एग्जिस्ट होता है बाय द वे तो हम अपडेट कर रहे हैं यूजर को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक अपडेट ओबीजे करके, और यहाँ पर मैंने लाइक डाल दिया नेम। रोल हमारा बेसिकली क्या होगा, ऑप्शनल था, तो लाइक रोल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक लगाना होगा इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के, देन मीन्स कि हमारे पास रोल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपडेट ओबीजे डॉट रोल इक्वल,
ये जो आपका रोल आया है रिक्वेस्ट में उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। देन अब हमें यूजर को अपडेट करना है, तो हम यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहले आईडी से चेक, आईडी कॉलन आईडी एंड कॉमा ऑब्जेक्ट डॉलर सेट एंड आपका अपडेट ओवीजे। देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि आपका अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हमें करंट अपडेटेड डेटा चाहिए तो हमें यहाँ पर न्यू कॉलन ट्रू पास करना होगा जैसे कि हमें अपडेटेड डेटा रिटर्न हो। तो यहाँ पर हम अवेट का यूज करेंगे एंड यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ लाइक अपडेटेड डेटा, इसको हम सेंड कर देते हैं लाइक मैंने लिखा यहाँ पर यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली और ये यूजर्स को हम हटा देते हैं। डेटा में हम यहाँ पर अपडेटेड डेटा पास कर देते हैं। देन अब हमें ज़रूरत है इसको टेस्ट करने की, तो अगर अब हम लाइक सेंड करता हूँ इसे तो क्या होता है देखते हैं कि यहाँ पर बोलता है आईडी इज रिक्वायर्ड, तो नेम तो इसमें ऑलरेडी मिल गया था इसको बट आईडी नहीं मिली थी और रोल हमारा ऑप्शनल रहेगा, तो हम यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करते हैं। लाइक आईडी हम देते हैं किसी अनदर यूज़र की, जो कि यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा किसको बेसिकली हम चेंजमेंट करने का ट्राई करें, इसको चेंजमेंट करने का ट्राई करते हैं संदीप वाले वो, तो यहाँ पर मैंने आईडी प्रोवाइड करी ये एंड देख सकते हो इसका रोल अभी ज़ीरो है। लाइक मैं इसका नेम कर देता हूँ, यहाँ पर नेम इसमें डालना होगा तो ये बेसिकली ईमेल नहीं यहाँ पर आएगा नेम, तो नेम हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ इसका अपडेट करके संदीप शर्मा एंड रोल हम अभी नहीं फिलहाल में प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट हम नेम अपडेट कर रहे हैं अभी फिलहाल में। तो आप देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो अपडेटेड डेटा आ रहा है संदीप शर्मा, लाइक अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी संदीप शर्मा हो चुका है। अब मैं मान के चलिए नेम पहले जैसा कर देता हूँ संदीप, बट मैं इसका रोल जो है अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, तो लाइक मैंने इसको बनाना चाहा एडिटर, तो एडिटर का जो हमारा रोल है वो है 3, तो अभी इसका 0 रोल है। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसका रोल भी 3 हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से इसको रोल 0 कर देता हूँ, मीन्स नॉर्मल यूजर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो है नॉर्मल यूजर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल यूजर हो चुका है, डीबी में भी रिफ्रेश हो चुका है डेटा, तो मतलब गेट एंड अपडेट एपीआई बेसिकली हो चुकी हैं। अभी हमारा लाइक्स का रहता है बाकी क्रॉड ऑपरेशन, फिर देन हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन वर्क रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो नेक्स्ट लेक्चर देखना, थैंक यू।